जरूरत पड़ेगी तो मुझे उनसे थोड़ी राय भी चाहिए, जी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम भी लिया है ताकि मैं किसी वकील से भी एक बार सलाह कर लूँ। इस लड़ाई को तो मैं आखिर तक लड़ूंगी। अच्छा, तो आपसे किसी की बात हुई या आपको कोई फोन कर रहा है कि आप इस केस को वापस ले लें, इस तरह की चीजें आपके पास हो रही हैं अभी? नहीं भैया, मेरा फोन तो बंद रहता है तो मैं अभी किसी के संपर्क में नहीं हूँ। जी, पार्टी स्तर पे जैसे विनय गोयल जी वगैरह थे तो ये लोग इस मामले को दबाने के लिए जितने खेल खेल सकते थे वो तो सारे जनता के सामने आ ही गए हैं। जी 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 अच्छा, जिस तरह से अभी बीते दिनों मेरी मंत्री महोदय से भी बात हुई थी रेखा आर्य से, उन्होंने कहा था कि अगर आप सामने नहीं आ रही हो तो शायद हो सकता है कि कुछ दाल में काला हो। अब तो आप आ गई हैं, तो आपको उम्मीद है कि पुलिस जो जिस तरह जिस लाइन पर काम कर रही है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? जहाँ तक मंत्री जी की बात है तो देखो, मंत्री जी अगर घर में बैठी हुई दाल बना रही है तो उनको दाल में काला नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो पूरी दाल उनकी काली नजर आ रही है। जी रही बात पुलिस की तो देखो, अभी तो मैं पूरे बयान दूंगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही कोई आकलन करना चाहिए, कुछ भी इतनी जल्दी कहना जो है बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जी 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 अच्छा मैडम, भी हो सकता है कि रेखा आर्य जो कह रही है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो, वैसे किसी भी महिला सशक्तिकरण मंत्री के लिए ऐसी सोच रखना तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। जी 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 तो आपने जो ये पुलिस सर एक महिला होने के बाद रेखा आर्य इस तरह की टिप्पणी कर रही है तो ये तो बहुत ही मतलब घटिया सोच है उनकी। जी मैडम, अच्छा दूसरा सवाल ये है मेरा कि पुलिस आपको सिक्योरिटी देना चाह रही थी, तो आपने सिक्योरिटी ली है या लेने वाली हैं आप? कोई आपको खतरा है? हाँ खतरा तो है, क्योंकि ये लड़ाई तो पूरी एक सत्ताधारी पार्टी के उसमें है और सत्ता भी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है। जी, तो मैं तो एक आम इंसान हूँ तो ये लोग अपना मौका तो कहीं भी नहीं चुकेंगे। जी 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 अच्छा, तो अब आगे क्या स्टेप रहेगा मैडम? आप वकील कर रही हैं आपने? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आखिरी सवाल ये है मेरा कि आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब उन महिलाओं को जो जिनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है वो चुप रह जाती हैं? नहीं, जब किसी महिला के साथ ऐसी घटना हो तो उसे बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। जी, जो भी उसका संगठन है या जहाँ पे भी जो भी कुछ हो रहा है उस पर भी इस विषय को उठाना चाहिए, और अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो फिर उससे भी ऊपर के स्तर पे जो भी है जी उन तक जाना चाहिए, और अगर हम चुप रहते हैं तो ये लोग पीछे नहीं हटते, फिर ये और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हर महिला को ऐसी घटना का विरोध करना चाहिए। जी जी चलिए धन्यवाद मैडम, मैं उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, तो एक बार मुलाकात हो आपसे और जो हम आपसे कर सकेंगे तो बिल्कुल आपके लिए करेंगे मैडम।